सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। और आज का द हिंदू सेशन जो संडे का होता है, थोड़ा सा टाइम फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि मंडे टू सैटरडे का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा वेरी है। मतलब हम लोग मॉर्निंग में ही ले लेते हैं, 8:15 बजे सेशन होता है। और अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि संडे है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग। और काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं आज अगर आप देखोगे जो कि आए हैं। खास तौर से एक अफगानिस्तान के ऊपर अगर आप देखोगे, अर्थक्वेक आया था और उस पर आई वॉज़ वेटिंग कि आपके लिए कंटेंट क्या दिया जाए। और आज देखो खुद ही अपने आप ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट और अल्टीमेट टॉपिक उसमें आ गया, पूरा एक्सप्लेन करके आ गया। और ज्योग्राफी के एडवांस टॉपिक्स होते ही इसीलिए हैं और इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के जो टॉपिक्स हमारे हैं, डीप लर्निंग, ह्यूमन ब्रेन, आर्टिक सिस्टम एंड क्लाइमेट चेंज, सिंक्रोट्रोन इमेजिंग, वाई अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान, हेपेटाइटिस सी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो यहाँ पे एक ये आईआर का टॉपिक है, एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, बाकी सारे टॉपिक आपके साइंस के टॉपिक्स, एक ये भी आपका ज्योग्राफी एनवायरमेंट का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिक सिस्टम में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अभी कभी कभी आता है कि आपके माइंड के अंदर थोड़ा सा रहे, साथ में एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस बार भी प्रश्न आया, उस पर भी अगर देखोगे मतलब जो एप्लीकेशन पे प्रश्न आता है, तो आज भी कुछ कंटेंट हम लोग देखेंगे भी। और इसी तरीके से कंटेंट आपको प्रिपेयर भी करते रहना है जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं। आप अपने आंसर्स को सेंड कर सकते हैं सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल को, और साथ में आकलन सीरीज में आज या कल में लॉन्च हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल, जहां पे आप लोग अपने आंसर्स सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चंस और आंसर आप हिंदी में भी मुझे सेंड कर सकते हैं, जो भी कंटेंट रहेगा वो हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, तो दोनों लेवल पे आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। और जरूर से जो भी सीरियस हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर से जुड़े, उसे पर्सनली मैं एक छोटा ग्रुप बनाऊंगा और आपसे इंटरेक्शन भी मेरा रहेगा जिनका अच्छा परफॉर्मेंस आंसर राइटिंग के अंदर रहेगा। अब देखते हैं आपको जो भी जुड़ना है, जो कोर्सेस पेड कोर्सेस हैं, खास तौर से जैसे अभी मैंने सेकंड एआरसी रिपोर्ट का कोर्स जो है आपके लिए एक वीडियो भी डाल दिया है, आप लोग देख लो किस तरीके की क्लासेस हुई हैं। बाकी कंप्लीट कोर्स के लिए आप सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लाइव क्लासेस हैं, अभी ऑप्शनल की क्लास है, आकलन सीरीज है, साइंस टेक के टॉपिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट के एडवांस टॉपिक्स हैं। बाकी यूट्यूब के अंदर भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के लिए कवर कर रहा हूँ, तो दैट विल ऑल बी देयर। सो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, गूगल स्टोर से सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको फ्री टेस्ट रहेगा, ग्राफिक करंट अफेयर्स रहेगा, 2000 न्यूज़ जो न्यूज़पेपर के टॉपिक्स की ई बुक है, इसका एक पासवर्ड है 10 10 10, उसको आप लोग देख लेना, फोल्डर पे लिखा हुआ है हिंदू के मेंस क्वेश्चंस कंपाइलेशन। और ये वेबसाइट अब नाम चेंज हो जाएगा, सौरभ पांडे upsc.com वेबसाइट बन जाएगी, और उसमें फिर आप लोग अब मैगजीन और जो करंट का कंटेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेकंड एआरसी रिपोर्ट्स का कोर्स है, तो ये चल रहा है आपका, इसको जरूर से आप हिस्सा बने। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तभी ज्वाइन करें, अदरवाइज नहीं करना है। बहुत अल्टीमेट कोर्स है, कहीं नहीं मिलेगा। अभी दिसंबर से पहले अगर आप ये सब पहले से कंप्लीट कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं अभी गवर्नेंस इन इंडिया वाली किताब पर भी एक कोर्स लेकर आऊँगा, बाकी जो थोड़ा बेसिक लेवल पे एनसीईआरटीज और जो भी चीज़ें हैं सब कुछ यूट्यूब में आपके लिए फ्री रहेगा। तो ये कोर्सेस चल रहे हैं। यूपीएससी ऑप्शनल का कोर्स भी, एग्रीकल्चर ऑप्शनल का भी कोर्स है, इसका भी नया बैच मैं लेकर आऊँगा। तो अभी अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो अभी भी आप जुड़ के लाइव क्लासेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डीप लर्निंग हेल्प्स क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स ड्यूरिंग सर्जरी। अभी साइंस का टॉपिक है, बेसिकली इट्स अंडर द एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन आस्पेक्ट में प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। सो यहाँ पे क्या है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन का है उसमें ट्यूमर हो जाना, ट्यूमर बेसिकली कैंसर है। अब आपसे देखो यहाँ पे डीप लर्नड एआई, अगर आई थिंक एक बार चेक करना, एआई का एप्लीकेशन शायद हेल्थ और इन सब में इस बार पूछा हुआ था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हेल्थ पर अगर देखा जाए तो ट्यूमर, जो ब्रेन ट्यूमर है उसके बारे में जानकारी हो पाना, मतलब क्योंकि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे जैसे जनरली जो कैंसरस सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है एंड इट रिजल्ट इनटू कैंसर। तो किस तरीके से एआई का इस्तेमाल करके इस कैंसर के बारे में जानकारी, जो ब्रेन कैंसर है, ट्यूमर है, इसके बारे में जानकारी है, वो बहुत विद इन लेस देन 90 मिनट्स के अंदर किया जा सकता है ये है। और जो नीदरलैंड है उसने एक टेक्नोलॉजी जिसे नैनोपोर सीक्वेंसिंग कहा गया है, और ये नैनोपोर सीक्वेंसिंग के माध्यम से तेजी से डेटा जनरेट होगा और उसके बेसिस पे पता चल सकता है कि हाँ क्या कैंसर की स्थिति बन सकती है कि नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन, अच्छा मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन का मतलब जैसे छोटे छोटे जो आपके सेल्स हैं उन पे सर्टेन केमिकल्स
प्रेजेंट हैं, उनका जो आप अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करोगे, उनका सर्टेन क्लासिफिकेशन जो है रखा जाएगा और उसको स्टडी करना। और ये मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे, इसके लिए कुछ ऐसे टूल्स डेवलप किए गए, एआई बेस्ड टूल्स डेवलप किए गए हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क टूल जिसे कहा जाता है। न्यूरल शब्द का मतलब इट डिराइव फ्रॉम, ये जो शब्द है ये आपका डिराइव हो रहा है ब्रेन से, ह्यूमन ब्रेन से। हमारे ब्रेन में क्या है, आपके पास न्यूरॉन्स हैं, इन न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी होती है और तभी हम इस प्रकार से बिहेव भी करते हैं। और एक आप कह सकते हैं कि जो वी आर प्रेजेंट लाइक दैट, जो चीज़ें हम लोग देखते हैं समझते हैं, उसके लिए हमारा ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क बहुत मैटर करता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो कि न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड हो, मतलब इट विल बी मोर एडवांस्ड, इट विल बी मोर ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन लाइक, जो ये टूल है वो डेवलप आपका किया गया, जिसका नाम स्टर्जियन करके रखा गया। तो अगर आपसे पूछे रिसेंटली स्टर्जियन न्यूज़ में था, या अगर आपसे एआई के एप्लीकेशन भी पूछे, तो इसका एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। सो स्टर्जियन बेसिकली क्या है, ये न्यूरल दैट ये जो स्टर्जियन है, इट विल हेल्प टू हेल्प इन क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ट्यूमर्स हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि जैसे कोई भी जैसे मान लो एक एक बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, पत्थर भी पड़े हुए हैं, बालू भी पड़ी हुई है, इसमें लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, तो आपको पत्थर एक अलग करना, आपको देखना कितने पत्थर है, तो आपने क्या किया, किसी मेथड के माध्यम से पत्थर कितना वो आप जान लिए, इस बेसिस में आपको पता चल गया कि बाल्टी के अंदर कितने पत्थर है। अब इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अब वो मॉलिक्यूल्स कितने जो है कैंसर सपोर्टिंग है, तो इसको जानने का जो एक टूल डेवलप एआई बेस्ड किया गया है, वो स्टर्जियन किया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे कंसेप्ट डीप लर्निंग का है, तो डीप लर्निंग में आपको इस डायग्राम को देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली जो मशीन ट्राइज टू बिहेव लाइक अ ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं आज के समय में, जिसे एआई बोलते हैं। फिर उसके बाद एक टर्म होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब हुआ कि डिफरेंट जो डेटा आता है, उस डेटा के बेसिस पर जो आउटपुट है वो मशीन के माध्यम से है। जैसे मान लो कई सारा डेटा एक्स वाई जेड ए बी सी बहुत डेटा है, इस डेटा के बेसिस पर मशीन को इस डेटा पर डाला गया या एआई बेस्ड सिस्टम पर डाला गया, तो वो सर्टेन आउटपुट दे रहा है। तो जैसे जैसे डेटा चेंज होगा आउटपुट चेंज होगा, और मशीन जो है आउटपुट या आउटकम उसका डिपेंड करेगा डेटा पर, तो इसे मशीन लर्निंग बोलते हैं। उसी तरीके से डीप लर्निंग और एडवांस फॉर्म आपका हो गया। इसमें क्या है कि बहुत डिफरेंट एडवांस कैटेगराइज्ड सुपरवाइज्ड डिफरेंट डिफरेंट तरीके का जो डेटा है वो प्रोवाइड होता है, और उस बेसिस पे, क्योंकि ये क्या है, इट एक्ट मोर लाइक अ ब्रेन लाइक लॉजिकल स्ट्रक्चर, ऐसा एल्गोरिदम इसका बना होता है, मतलब ऐसी कोडिंग इसकी की जाती है कि जैसे जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, जिस तरीके से कार्य करता है, साथ में न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल, तो और एडवांस मशीन लर्निंग का जो फॉर्म है उसे हम डीप लर्निंग बोलते हैं। तो अभी ये जो स्टर्जियन है, ये बेसिकली डीप लर्निंग एआई सिस्टम है। तो ये डायग्राम आप देख लेना, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे पूरा लिखा हुआ है। ये पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल के अंदर। और अभी मैंने मॉर्निंग में 8 बजे का जो समय है उस पे मैंने आपके लिए आरसी रिपोर्ट का एक लेक्चर, पूरा टेररिज्म वाला लेक्चर डाल दिया है। उसके अलावा मैंने 11 बजे एनवायरनमेंट का लेक्चर डाल दिया है, जो सेकंड लेक्चर है। थर्ड जो उसका लेक्चर आएगा वो कल आएगा। तो एनवायरनमेंट के बेसिक पार्ट में कवर कर रहा हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी उसको रेगुलर देखो और नोट्स बनाओ, बढ़िया हैंड रिटन नोट्स है, बेसिक जो है सारा एनवायरनमेंट का जो बेसिक पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। ऐसे ही जो बेसिक चीज़ों के लिए आप इधर उधर आपको जाना पड़ता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब के माध्यम से मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए कवर कर दूंगा। किताबें हैं और सारी चीज़ें, जैसे जी सी लियोंग भी मैं कवर करूँगा, लक्ष्मीकांत की किताब भी कवर करूँगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस बढ़िया तरीके से आप चैनल को फॉलो करें, अपना जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। तो रिसर्चर्स डेवलप लार्जेस्ट ह्यूमन ब्रेन सेल एटलस। अब ये देखो, ह्यूमन ब्रेन सेल एटलस को जो है डेवलप किया। एटलस क्या है, जैसे मान लो मैपिंग आप करते हो, तो मैपिंग में आपको पता है अफ्रीका है, एशिया है, ये यूरोप है। इसी तरीके से ह्यूमन ब्रेन एटलस में ब्रेन के सर्टेन चीज़ें जो है वो सारी जानकारी होना, प्लस ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, मतलब मान लो बंदर इट्स अ प्राइमेट, ह्यूमन की बात करें तो किस तरीके से डिफरेंट है, उस पर स्टडी किया गया है। तो यहाँ पे 3000 ह्यूमन ब्रेन सेल्स टाइप्स हैं, उनको कैरेक्टराइज्ड किया गया है एंड कहा गया है कि यही एक ऐसी चीज़ है जो उसको अलग बनाता है, मतलब हमारे ब्रेन और प्राइमेट के ब्रेन में थोड़े बहुत डिफरेंसेस है इसलिए हम इस तरीके से, और जो प्राइमेट्स हैं या बंदर टाइप हैं वो उस तरीके से बिहेव आपका करते हैं। तो साइंटिस्ट आज के समय में दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बहुत डिटेल के अंदर की जो सेल्स हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी सेल्स में सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन क्या क्या बदल जाता है, कैसे कैसे उनमें म्यूटेशन या सडन चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियाँ भी हो सकती हैं जो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड हो, तो इसकी स्टडी जो है कंटिन्यूस बेसिस में
की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आर्टिक इकोसिस्टम इंपैक्ट्स ग्रे वेल पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ पे जरूरी है आपको समझना कि ये ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ये आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में एग्जांपल के रूप में बहुत यूज कर सकते हो, खासतौर से मेंस की जब बात करते हैं, व्हेन यू आर राइटिंग कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आर्टिक रीजन में कैसे हो रहा है, आर्टिक रीजन में क्या बदलाव हो रहा है, जब आप ऐसी बातें लिखना चाहते हैं तो उसमें इन्हीं कंटेंट का काम आएगा। हाँ ये बहुत मुश्किल है कि आपके लिए वेल के बारे में पूछे, लेकिन हाँ आर्टिक इकोसिस्टम कैसे इंपैक्ट करता है ये जरूर से हो सकता है। सो यहाँ पे देखो कंटिन्यूस क्लाइमेट चेंज, जैसे आपका ये अर्थ है, ऊपरी हिस्सा ये आर्टिक रीजन है, आर्टिक का पूरी बर्फ पिघल रही है, उसे हम आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट बोल रहे हैं। आर्टिक का जो पूरा जो नेचर है मतलब पानी है उसका जो है वो अटलांटिक ओशन का पानी की तरह हो रहा है, तो उसे हम अटलांटिफिकेशन शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट है, एक तरफ अटलांटिफिकेशन, इट मींस आर्टिक ओशन इज मोर टर्निंग टू बी अ लाइक अटलांटिक ओशन। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो आपका आर्टिक ओशन रीजन है उसकी बर्फ पूरी तरीके से पिघल रही है, जिसे हम आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट भी बोलते हैं। सो कंटिन्यूस बेसिस में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्म हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, इसके लिए जो हैबिटेट्स हैं खासतौर से ग्रे वेल्स के वो पूरे तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं। तो जो पॉपुलेशन है नॉर्थ पैसिफिक ग्रे वेल्स की वो काफ़ी इससे अफेक्ट आपकी हो रही है, बहुत सारी जो ये वेल्स हैं वो मर रही हैं, क्योंकि देखो इनका शरीर ऐसे बना हुआ है बिकॉज ऑफ, एक तो इनको प्रे बेस नहीं, खाएंगे क्या वो, प्रे बेस जो है वो आपका रिड्यूस हो रहा है, जो प्रे बेस है दैट प्रे बेस इज बींग रिड्यूस्ड। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम और भी कई चीज़ें, आइस कवर की बात करें आर्टिक रीजन में, जो आइस कवर है वो भी कंटिन्यूस बेसिस में आपका रिड्यूस हो रहा है, और इसके पीछे फैक्टर क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो क्लाइमेट चेंज है। तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि कैसे आर्टिक जो इकोसिस्टम है, आर्टिक रीजन है वो अफेक्ट हो रहा है और कैसे वहाँ की बायोडाइवर्सिटी आपकी अफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये होमो इरेक्टस की बात है, तो यहाँ पे ये कुछ शब्द मेंशन है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे थोड़ा सा। तो होमो इरेक्टस की अगर बात करें तो मतलब जो ह्यूमंस का इवोल्यूशन है उसमें एक फेस होमो इरेक्टस का भी आया था। तो यहाँ पे देखो दो शब्द मेंशन है, दैट इज ओल्डोवन और एक्यूलियन टूल्स। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये ओल्डोवन और एक्यूलियन टूल्स है जो हमारे पहले के लोग हैं वो आपके यूज़ किया करते थे। सो होमो इरेक्टस जो है ये सवाना एनवायरनमेंट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, फिर जो इथोपियन हाईलैंड्स हैं यहाँ पे भी ये प्रेजेंट थे एंड ये इन टूल्स को बनाते प्रोड्यूस करते थे, ये स्टडी कहती है, मतलब ये टूल्स हैं जो जिसे हम ओल्डोवन और एक्यूलियन टूल्स भी कहते हैं। एंड इसकी जानकारी कैसे होती है, जो हॉमिनिन फॉसिल्स, जैसे पिछले साल अगर आप देखोगे तो जो 2022 का जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो इसी फील्ड पे बना था, पैलियोजिनोमिक्स के कंसेप्ट पे बना था। कमेंट सेक्शन बताओ व्हाट डू यू मीन बाय पैलियोजिनोमिक्स, और आप ये बताओ कि एडीएनए क्या होता है, ये दो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो हॉमिनिन फॉसिल्स के मतलब जो जीव है उसका जो रिमेंस मिला है, कुछ भी रिमेंस मिला तो उसको स्टडी करने के बाद और फिर जानकारी जो है वो मिल पाती है, उसके लिए फिर ये सिंक्रोट्रोन इमेजिंग इन्होंने की है, जैसे जो भी फॉसिल्स है उसका ये इमेजिंग करके फिर स्टडी कर पाना, जैसे मान लो टीथ मिला है तो टीथ को स्टडी करके अच्छा ये क्या क्या खाते हैं, कैसे थे, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ये सारी जानकारी इन इमेजिंग के माध्यम से आपकी बन जाती। तो अब हमें यह जानना है कि सिंक्रोट्रोन इमेजिंग क्या है। तो ये इमेजिंग आपकी काफ़ी समय से लाइक 1800 से इस्तेमाल हो रही है, आज के जो मॉडर्न ये है ये और एडवांस्ड है, इसमें डायमंड लाइट सोर्स का इस्तेमाल आपका किया जाता है, अभी मैं इमेज के माध्यम से आपको शो करूँगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी है, जैसे मान लो ये बीम लाइन है, अब ये है, अब इसमें ये लाइट पड़ेगी, अब इसकी पूरी की पूरी सारी की सारी जो जानकारियाँ हैं वो है ना, मतलब इमेजेस पूरा, फिर आप कह सकते हैं कि इस फॉर्म में कन्वर्ट होना, फिर इसको आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे सिंक्रोट्रोन इमेजिंग के माध्यम से है। तो यहाँ पे ये आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग रेडिएशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके माध्यम से जिस भी मटेरियल का आप जानना चाहते हैं उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका हर एक डायमेंशनल आस्पेक्ट है, उसकी सारी जानकारी हमें मिल सकती है। अब इसमें क्या है कि अभी एक्सरे का भी इस्तेमाल आपका किया जाता है इसमें, एंड जो स्पीड है रिजोल्यूशन ऑफ एक्सरे इमेजिंग टेक्निक वो भी आप कह सकते हैं, उस पर भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, रिजोल्यूशन का जो है वो भी आपका इंक्रीज कंटिन्यूस बेसिस पर मिल रहा है। तो ये क्या है कि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि
वाई दिस इज इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि हाउ वी कैन यूज द सिंक्रोटोन इमेजिंग, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये फैक्ट्स थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जैसे एक्सरे का आप इस्तेमाल करोगे, एक्सरे के माध्यम से जो भी सैंपल है उसके सारा कॉम्पोजिशन, सारी जानकारी, सब कुछ हमें जानकारी मिल पाएगी, है ना। तो आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में भी, उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी, हर एक आयाम आप कह सकते हो कि वो जानकारी हमें हेल्प कर सकती है जो एक्सरे इमेजिंग है। और यही एक्सरे इमेजिंग सिंक्रोटोन इमेजिंग के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। सेशन को लाइक जरूर से करें और सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, जहां भी मौका मिले आप लोग शेयर जरूर से इस चैनल को करें। कंटेंट अच्छा आपको दिया भी जा रहा है जिन जिन एरिया में, मतलब वीडियो शेयर हो रहे हैं। और अगेन 8 बजे मैंने आपको सेकंड एआरसी रिपोर्ट का एक वीडियो डाला, टेररिज्म का पूरा रिपोर्ट है। और 11 बजे मैंने आपको जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की है उसका सेकंड लेक्चर मैंने डाल दिया है, तो आप लोग उसको जरूर से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो बेसिक पार्ट है एनवायरनमेंट इकोलॉजी का, मैं उस लेक्चर की सीरीज के माध्यम से कवर कर दूंगा। अब देखते हैं हाउ अ 3.6.3 मैग्नीट्यूड क्वेक कॉज्ड अनदर ऑफ द सेम इंटेंसिटी, कैसे कॉज किया। सो यहां पे कहा गया कि अभी जैसे मान लो यहां पे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। अभी जैसे 6.3 रिक्टर स्केल का, मतलब इतने स्केल का अर्थक्वेक आया, फिर दूसरा भी 6.3 का आ गया। जनरली होता क्या है, इसमें एक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और आफ्टर शॉक शब्द इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर शॉक मतलब ये कहते हैं कि जैसे मान लो एक बड़ा अर्थक्वेक आया 6.3, फिर इसके बाद के जो भी अर्थक्वेक होंगे ना वो कम होने चाहिए, 5.2 5.1, ऐसे इन्हें आफ्टर शॉक बोलेंगे। तो यहां पे मान लो दूसरा भी 6.3 का आ गया तो ये यूनिक हो गया, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन आफ्टर शॉक। तो एक नया कंसेप्ट आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय आफ्टर शॉक और कब कंसीडर इसमें किया जाए। तो अभी जो एक यूनिकनेस अफगानिस्तान के अंदर दिखी है, जो अर्थक्वेक आया कि एक 6.3 का आया, दूसरा भी 6.3 का आ गया, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या जानना है कि पूरा का पूरा जो विश्व है, अगर आप पूरे विश्व को देखें तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आप देखोगे तो प्लेट्स में डिवाइडेड, ये आपने स्टडी भी किया होगा। जैसे पूरे जो अर्थ है उसका जो ऊपरी हिस्सा उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर में क्रस्ट होता है प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल होता है ना। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल, जैसे पिज्जा है, पिज्जा की स्लाइसेस होती हैं, तो जिस तरीके से पिज्जा की अलग अलग स्लाइसेस होती है वैसे ही अर्थ डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है जैसे साउथ अमेरिकन प्लेट है, समुद्री जो प्लेट्स होंगी जैसे समुद्र का जो पैसिफिक प्लेट्स है, ये प्लेट्स मूव करती हैं, एक प्लेट दूसरे के नीचे जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सबडक्शन शब्द इस्तेमाल उसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखो इस रीजन में ये इंडियन प्लेट है और यहाँ पे काफ़ी सारी प्लेट्स आ रही, एक तरफ यूरेशियन प्लेट आ गई, एक तरफ इंडियन प्लेट आ गई, एक तरफ अरेबियन प्लेट आ गई। तो ये जो रीजन है, ये रीजन काफी अधिक आप कह सकते हैं कि जो अर्थक्वेक के चांसेस काफी बन जाते हैं, जहां पे तीन तीन प्लेट्स प्रेजेंट है। तो आपको ये देखना है कि अगर आपसे पूछे कि इस रीजन में अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी क्यों रहती है, तो वहां पे ये तीन प्लेट्स के प्रेजेंस एक बड़ा फैक्टर बनता है। जैसे इधर से इंडियन प्लेट आ गई, इधर से यूरेशियन प्लेट आ गई, अफगान है ना, तो ये सब प्लेट्स हैं। तो ये मतलब ये एक दूसरा जो समय का एक इमेज है, जैसे नेपाल का रीजन है, उसके बाद अफगानिस्तान का जो ये है, तो यूरेशियन प्लेट आ गई, इंडियन प्लेट आ गई, इधर से अरेबियन प्लेट आ गई, तीन प्लेट्स ही आ गई। अब जैसे फिर से ये डायग्राम आप देखो तो ये इंडियन प्लेट आ गई, यहाँ पे एक पामीर है, पामीर नॉट्स हैं जो हिंदू कुश का है, ये काराकोरम है, ये सब रीजन्स हैं, हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, पामीर नॉट्स हैं, उसके बाद है ना, तो ये यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट। तो ये थोड़ा ज्योग्राफिकल आस्पेक्ट आप ध्यान रखना, और ये जो इसकी ज्योग्राफी ही रिस्पॉन्सिबल अफगानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक। अब इसमें समझना कि इसमें आप कंसेप्ट थोड़ा सा और भी चीज़ें आई हैं, ये तो चलो इसकी जानकारी तो आप सभी को होगी भी, कोई भी ज्योग्राफी के टीचर्स आपको इस चीज़ बताएंगे, बट रिसर्च क्या कहती है, क्योंकि रिसर्च जो है आज ही न्यूज़पेपर में आई है, दो चार दिन पहले ही जब इस पर स्टडी हुई कि अच्छा अफगानिस्तान में ऐसा अर्थक्वेक क्यों आया, तो इस पर स्टडी हुई और फिर रिसर्च सामने आई है। तो इस पर टीचर को बहुत ज़्यादा अपडेट होना पड़ेगा, तभी वो रिलेवेंट होते हैं। ऑल्दो फिर अब नहीं बताओगे किसी को तो नहीं पता चलेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग को जो अपडेटेड कंटेंट है ज्योग्राफी का उसको करना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आप इसमें रीजन समझते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले समझना है फॉल्ट, ये फॉल्ट है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट जा रही है, अब ये प्लेट बीच में कहीं कहीं टूटी हुई है, टूटी हुई, तो जहां टूटी हुई होती है, जैसे मान लो क्रैकजक का बिस्किट बीच से हल्का सा टूटा है, जैसे मान लो पेस्ट्री है, पेस्ट्री की अलग अलग लेयरिंग होती है ना, ऊपर चॉकलेट, वैनिला, इस टाइप से, तो जो पेस्ट्री है उस पेस्ट्री की अलग अलग जो है लेयरिंग होती है, यू हैव लेयरिंग ऑफ पेस्ट्री, तो अलग अलग जो लेयरिंग है पेस्ट्री की, अगर आप ऊपर देखो चॉकलेट हो गया, नीचे वेनीला हो गया, इस टाइप से अलग अलग लेयरिंग आपकी होगी, तो ये क्या है
कि आप ये मान लो कि ये अलग अलग जो है, मान लो बीच से आप काट दो तो एक गैप सा बन जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि आपका फॉल्ट होता है, फॉल्ट मतलब टूटा हुआ, ये जो पूरी प्लेट है वो टूटी हुई है तो वो फॉल्ट कहलाती है। और ये मूव कर सकती है, जैसे रिवर्स फॉल्ट है, जैसे इस टाइप का मूवमेंट है इसे थर्स्ट फॉल्ट कहते हैं। इस प्रकार की स्थिति है जहाँ पे इसे हम रिवर्स फॉल्ट शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ये थर्स्ट फॉल्ट है ना, ये इस टाइप से मूव कर रही है, इसे हम थर्स्ट फॉल्ट बोलते हैं। फॉल्ट शब्द याद रखना। तो ये देखो, खासतौर से अगर आप अफगानिस्तान का रीजन देखो तो यहाँ पे थर्स्ट फॉल्ट का फॉर्मेशन रिवर्स फॉल्ट भी रहता है। तो ये थ्रस्ट फॉल्ट इन जगहों पे फ्रेम आपका होता है। अब जैसे जैसे ये प्लेट जा रही है, ये प्लेट जा रही है, तो अब देखो ये टूटी हुई है, तो ये सीधा ऐसे जानी चाहिए बट ये नीचे के साइड है। अब इसका मूवमेंट हो सकता है, ये मूवमेंट आपका अपर साइड भी हो सकता है, लोअर साइड भी हो सकता है, अब है ना। तो ये आपका फॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये प्लेट जा रही है और प्लेट बीच से टूटी हुई है, इधर है या इधर है, टूटी हुई है, इनका मूवमेंट होगा। तो कोई भी जगह अगर यहाँ लोकेटेड है तो फिर वहाँ पे ऊपर नीचे अगर प्लेट होगी तो अर्थक्वेक आ जाएगा। तो फॉल्ट भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको अगर समझना है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अर्थक्वेक के रीजन के पीछे रिवर्स फॉल्ट फैक्टर भी जरूरी मतलब प्रेजेंट है। तो अर्थक्वेक जो है वो ईस्ट वेस्ट उसमें आया और वहाँ पे फॉल्ट प्लेन्स प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको डायग्राम जो है दिखाया। एंड ये अर्थक्वेक ऑकर किया विद इन द यूरेशियन प्लेट, तो यूरेशियन प्लेट है, तो अब प्लेट्स में ही फॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अर्थक्वेक जो अभी आए उसमें जो बड़ा फैक्टर है आप कह सकते हैं दैट हैज बीन द थ्रस्ट फॉल्ट, अदरवाइज नोन एज रिवर्स फॉल्ट। एंड ये जो थ्रस्ट फॉल्ट है ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कॉम्प्रेहेंसिव स्ट्रेस, अब देखो ये जो थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द लिखे हुए हैं बट अगर आप देखोगे जो डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया, तो आपको ये समझना है कि अर्थक्वेक जो आया उसके पीछे जो एक बड़ा रीजन है वो ये फॉल्ट्स हैं। ये फॉल्ट्स बहुत बड़े आपके जो है रीजन है। अब किसी को भी अगर आप आफ्टर शॉक बोलते हो तो उसमें कहा गया कि अगर मान लो एक जगह 6.3 आया तो उसे कम होना चाहिए तब आफ्टर शॉक, बट यहाँ पे 6.3 के बाद दूसरा भी 6.3 आ गया। तो ये जो है ये बेसिकली 6.3 मैग्नीट्यूड फॉलोड बाय 6.3 मैग्नीट्यूड, अगर दोनों ही 6.3 हो रहे हैं तो इट वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज एन आफ्टर शॉक। तो यहाँ पे क्या है, द रिलीज ऑफ द स्ट्रेस इन वन फॉल्ट रिजल्ट इन द लोडिंग ऑफ स्ट्रेस एट द अनदर फॉल्ट। तो यहाँ पे कहा गया कि जैसे मान लो दो फॉल्ट हैं, अब इसमें जैसे मान लो एक फॉल्ट इस तरीके से है, यहाँ एक फॉल्ट प्रेजेंट है, एक फॉल्ट यहाँ पे है, तो क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ, उससे एक स्ट्रेस जनरेट हुआ और वो स्ट्रेस दूसरे में भी ट्रांसफर हो गया, दूसरे फॉल्ट में। तो इसमें क्या है कि जब स्ट्रेस दूसरे फॉल्ट में ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे 6.3 का मैग्नीट्यूड का आया, यहाँ भी 6.3 का ही आ जाएगा अगर सेम स्ट्रेस लेवल ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ अर्थक्वेक जो अफगानिस्तान के अंदर आया है। सबडक्शन जोन इन हिमालय वेयर देर इज अ इंटरेक्शन, जहाँ पे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का इंटरेक्शन भी है, एंड ऑल्सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट, तो ये बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट एंड ऑल देर इज दिस व्हाट वी कॉल इट एज जो अर्थक्वेक की स्थिति इस तरीके की देखने को मिली। और यहाँ पे यूरेशियन है, आपके अरेबियन इंडियन प्लेट, तीन प्लेट्स आके मिलती हैं, इस वजह से भी अर्थक्वेक में जो है अर्थक्वेक देखने को अफगानिस्तान के अंदर मिलता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। फिर इसके बाद पामीर हिंदू माउंटेन भी प्रेजेंट है अलॉन्ग द मेन पामीर थ्रस्ट, जैसे मैंने अभी डायग्राम आप थोड़ा पीछे देख लेना, पामीर दिखाया, वहीं पामीर नॉर्थ से, फिर उधर से हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश है ना, एक बीच में पॉइंट है, जैसे मान लो ये पामीर पॉइंट है, यहाँ पे फिर आपका हिंदू कुश, काराकोरम और इस टाइप से अलग अलग ये डिवाइड हो जाते हैं, तो पामीर है। तो यहाँ पे ये पामीर थ्रस्ट भी जो है वो प्रेजेंट है। एंड जो क्रस्टल अर्थक्वेक इन पामीर हिंदू माउंटेन्स में देखने को मिलता है, क्रस्टल अर्थक्वेक मतलब क्रस्ट क्या है, ऊपरी हिस्सा है, जो अर्थ का ऊपरी हिस्सा है वो ज़्यादा डीप नहीं होती है, तो शैलो क्रस्टल मतलब अर्थक्वेक जो क्रस्ट लेवल पे होती है, जनरली उसमें क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल दोनों इंक्लूडेड होते हैं, तो क्रस्टल क्रस्ट पार्ट में ही मतलब ऊपरी ज़्यादा डीप में अर्थक्वेक नहीं गया है, तो वो देखने को मिलता है मेन पामीर थ्रस्ट का जो रीजन है वहाँ पे। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट है, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मेन थ्रस्ट पामीर थ्रस्ट रीजन है वहाँ पे थ्रस्ट फॉल्ट भी रिस्पॉन्सिबल है और एक स्ट्राइक सिल्प माउंट मैकेनिज्म भी है, ये भी एक प्रकार से जो फॉल्ट है उन पे ही देखने को मिलता है। तो बस थोड़ा सा आपको बस इतना याद रखना है कि पहली चीज आपको ये देखना है कि क्यों अफगानिस्तान में आता है, तो तीन प्लेट्स के नाम याद रखो, फिर रिवर्स फॉल्ट या थ्रस्ट फॉल्ट के बारे में याद रखो, फिर मेन प्राइमर थ्रस्ट है वो थोड़ा सा समझना है कि उस रीजन में आपको थोड़ा सा जो अर्थक्वेक आ रहा है वो क्रस्टल शैलो क्रस्टल अर्थक्वेक है, इट मीन्स वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं है,
और प्लस कई फैक्टर्स उसमें फॉल्ट भी है जो कि थ्रस्ट भी हो सकता है, स्ट्राइक स्लिप मैकेनिज्म भी आपका हो सकता है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इजिप्ट इज रेसिंग टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस सी, ये भी साइंस का टॉपिक है। अगेन सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से करें। अब देखो खुद भी देखो कि ज्योग्राफी के एडवांस टॉपिक्स, साइंस के एडवांस टॉपिक्स, जो एनवायरमेंट के एडवांस टॉपिक्स, ये सब कवर किए जाते हैं। आईआर का भी एक अच्छा टॉपिक आया है, तो ये सब है। अब इसमें संडे का टाइम थोड़ा फ्लेक्सिबल आप लोग के लिए रहता है, मतलब मंडे टू सैटरडे 8:15 बजे तक हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है। पहले मैं आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसको आपके लिए जो है आपको देता हूँ, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, फॉलो करें। और जो अभी मैंने वीडियो डाले हुए हैं, एक 8 बजे मॉर्निंग में ARC रिपोर्ट का डाल दिया था, 11 बजे एनवायरमेंट इकोलॉजी का सेकंड लेक्चर दे दिया था, अभी हम लोग हिंदू डिस्कस कर रहे हैं, तो वो लेक्चर्स आप लोग प्लीज़ देखें। एनवायरमेंट इकोलॉजी मैं आपके लिए ख़त्म करूंगा, फिर कुछ नया शुरू करूंगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी ऑलरेडी इस चैनल पे चल रहा है, 2 लेक्चर मैंने करा दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, बढ़िया तरीके से आप अटेंड करो, नोट्स बनाओ, तो आपकी बेसिक जो है पूरे तरीके से जो है ख़त्म हो जाएगा, मतलब अच्छे तरीके से आप कर लोगे। अब हेपेटाइटिस सी की बात करें, हेपेटाइटिस सी बेसिकली वायरस की वजह से होता है और लीवर में सूजन टाइप आ जाती है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो जो वायरस है वो सेल्स को इन्वेट करता है, इन्फेक्ट करता है। और खास तौर से मान लो हेपेटाइटिस सी कैसे होता है कि कोई पर्सन जो अफेक्टेड उसके ब्लड से अगर हम कांटेक्ट में आते हैं तो वो हेपेटाइटिस सी वायरस जो है उसे स्प्रेड आपका हो सकता है। नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, ये पूछा है, हुआ है UPSC ने प्रीलिम्स में 2018 या 19 के अंदर है। इसके कॉजेस काफ़ी सारे हैं, मान लो जो भी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बड़ा फैक्टर है, ऑपरेशन के दौरान भी हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के वजह से भी हो सकता है, चाइल्ड बर्थ है, प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, ऐसे इंजेक्शन जिसमें वो प्रेजेंट हो, मतलब है ना, मान लो एक लगाया उसको हेपेटाइटिस सी है, फिर दूसरे को लगा दिया तो उसको भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस सी इन फैक्टर्स की वजह से होता है, आपके होते हैं। अब यहाँ पे WHO ने इस बात को कहा है कि काफ़ी अधिक प्रोग्रेस इजिप्ट ने किया है और गोल्ड टायर स्टेटस जो है रीच किया। तो अब ये याद रखना कि अगर आपसे पूछे गोल्ड टायर स्टेटस रिसेंटली न्यूज़ में था तो ये क्या है, ये एक क्राइटेरिया है WHO का जिसके माध्यम से ये स्टेटस आपका दिया जाता है एक सर्टेन लेवल ऑफ क्राइटेरिया मीट करने के बाद। तो जैसे हेपेटाइटिस सी को एलिमिनेट करने में जो एक स्टेटस अचीव किया है इजिप्ट ने, उसे हम गोल्ड टायर स्टेटस भी हम कहते हैं। तो गोल्ड टायर स्टेटस की अगर हम बात करें तो इसमें लाइक 100% ब्लड इंजेक्शन सेफ्टी, मिनिमम 150 नीडललेस सिरिंज पर ईयर, ये सब फैक्टर्स हैं। मतलब क्योंकि देखो जो भी फैक्टर्स, क्योंकि वैक्सीन तो है नहीं, वैक्सीन तो दो नहीं सकते हो, तो जिस वजह से हेपेटाइटिस फैलता है उसको दूर किया गया है और गोल्ड टायर स्टेटस इन क्राइटेरिया की वजह से आपका दिया गया है। फिर उसके बाद जैसे 80% जो पीपल हैं लिविंग विथ क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस, ट्रीटिंग ऑफ और 70% इंडिविजुअल्स डायग्नोस, 70% जो लोग हैं उनको ट्रीट करना, उसके बाद सर्विलियंस प्रॉपर करना, जैसे मान लो लीवर कैंसर और ये सब है तो उसको सर्विलियंस आपका देखना। एंड हेपेटाइटिस सी मतलब हर जगह, जैसे यूरोप में 22%, साउथ ईस्ट एशिया 20%, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में 17% और लगभग 1.5 मिलियन नए इन्फेक्शन आ रहे हैं। तो ये बड़ा चैलेंज भी होता है हेपेटाइटिस सी से, कोशिश करना चाहिए जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेते रहना चाहिए, जिससे कि ये इंश्योर करना कि ऐसी बीमारी ज़्यादा स्प्रेड ना करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, हाउ इज़ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन अ की ब्लॉक फॉर इंडिया। IR का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। अब क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, बिकॉज इंडियन ओशन आइडेंटिटी, एनफोर्सिंग इंडियन ओशन आइडेंटिटी, यहाँ पे ये एक थीम थी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीट आपकी कोलंबो के अंदर हुई थी। अब देखो ये टॉपिक अपने आप इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीट आपकी हुई है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स आके मिले। अब जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन रीजन की अगर हम बात करें तो ये रीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा इलाका इंडियन ओशन रीजन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के समय में। जैसे इंडियन ओशन रीजन और सेंट्रल पैसिफिक ओशन को, दोनों को इंक्लूड अगर आप कर लोगे तो ये इंडो पैसिफिक बनता है, इंडो पैसिफिक जिसमें इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलके क्वाड का भी फॉर्मेशन किया है। तो ये रीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय में, एक नया एरिना बन चुका है ये। अब यहाँ पे क्या है, इवन जो कई देश हैं वो डायलॉग पार्टनर्स हैं, वो भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। और ये भी कहा गया कि ये जो ब्रेन चाइल्ड है फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला है, उनके द्वारा ही ये, मतलब उनका द्वारा ही सामने रखा गया था। इसमें लगभग 23 देश हैं, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, ये सब ऑस्ट्रेलिया, लिटरल स्टेट्स, यहाँ सब के। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कौन कौन से किस किस रीजन से आपके हैं। एंड श्रीलंका ने चेयर, मतलब श्रीलंका है चेयर बना, तभी आपका कोलंबो में मीट हुई है, पहले इससे पहले बांग्लादेश था। एंड इंडिया जो है वाइस चेयर है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि तीनों ही देश आपके साउथ एशिया से ही रिलेटेड हैं। इस समय जो ट्राइका का फॉर्मेशन है, इसमें 23 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कॉमरस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान,
केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजम्बिक्यू, ओमान, सेचलीस, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूएई और ओमान। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना, मतलब कई बार पूछते हैं कि इनमें से कौन सा देश इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का हिस्सा है। 11 इसमें डायलॉग पार्टनर्स हैं, चाइना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, इटली, जापान, साउथ कोरिया, टर्की, रशिया, यूके और यूएस। एंड ये फॉर्मेशन इसका 1997 में हुआ, एंड पहले इसको इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हुआ, 1997 में मॉरिशस में फॉर्मेशन हुआ। एंड जो नेल्सन मंडेला है उनकी स्पीच के बाद इसके फॉर्मेशन के लिए कार्य किया गया, 1995 में उन्होंने स्पीच दी, फिर 1997 में इसके फॉर्मेशन के स्टेप्स लिए गए। इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो पीवी नरसिम्हा राव हैं, एज अ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे, उन्होंने भी कहा इंडिया एंड साउथ अफ्रीका शुड एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ इंडियन ओशन रिम ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस बात पर हाईलाइट किया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो होने चाहिए, और उसमें इन्होंने कहा कि ये जो इंडियन ओशन रीजन के अलॉन्ग कंट्रीज़ हैं वो साथ में आके काम कर सकते हैं। अब ये इंडियन ओशन रीजन मैटर क्यों करता है, ये थोड़ा सा फैक्ट्स आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन 2.6 बिलियन पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन विश्व की यहाँ रहती है, 80% ग्लोबल ऑयल ट्रेड यहाँ से होता है, 50% कंटेनराइज्ड कार्गो मतलब ट्रेड भी होता है, 33% बल्क कार्गो यहाँ से पास होता है। तो आप खुद सोचो ट्रेड और ये जो सामान के ट्रांसफर में ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 1 ट्रिलियन इन गुड्स एंड सर्विसेज में, और इंट्रा IORA ट्रेड की बात करें तो लगभग 800 बिलियन है। ये फैक्ट याद रखना, ये फैक्ट बेसिकली हाईलाइट कर रहा है इंडियन ओशन रीजन के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इतना सारा गुड्स सर्विसेज का ट्रेड बहुत अधिक आपका इस रीजन के अंदर है। फिर जैसे सार्क हैं, बिमस्टेक है, ये अलग अलग है, वो भी इसी रीजन के अंदर आएंगे, इंडिया है ना। तो यहाँ पे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि मान लो कि सार्क सही से फंक्शन नहीं कर रहा है और बिमस्टेक सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ये ग्रुपिंग को इंडिया थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं फोकस कर सकता है कि जो भी कोऑपरेशन हमको चाहिए। क्वाड की बात करें तो क्वाड ने भी थोड़ा प्रोग्रेस किया है और यूएस लेड है, इसमें जापान, इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, चाइना इस रीजन में बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को इंडियन ओशन रीजन तक भी पहुंचाना आपका चाह रहा है, तो अलग अलग तरीके से है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये स्थिति बन रही है, कंपटीशन भी है, चाइना का भी प्रेजेंस है, इंडिया को भी अपने ग्रुपिंग्स का एक्सपेंशन करना है, तो अपने आप ही ये रीजन इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वाड में भी सप्लीमेंट ये करेगा, इंडिया का अगर इस रीजन में प्रेजेंस है तो क्वाड पे भी, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन प्लस पैसिफिक ओशन, सेंट्रल पैसिफिक ओशन, वो क्वाड का वर्क है, तो क्वाड भी उसमें काम करेगा। प्लस आपका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना उसका है, जिसमें वो मैरीटाइम रीजन में भी अपनी एंट्री कर रहा है, उसको भी काउंटर करने में काफ़ी जो है मदद मिलेगी। तो यह ध्यान रखना, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक सेफ स्पेस है इंडिया के लिए, सेफ स्पेस फॉर इंडिया। एंड ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पावर राइवलरी की बात अगर की जाए, तो यहाँ पे खास तौर से अभी ये भी ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान इसमें भी एडमिटेड नहीं है, और लाइक द बेसिस दैट इट हैज़ नॉट एक्सटेंडेड मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया। एंड यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब एक तो चाइना डायलॉग पार्टनर है, पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है, तो इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर सकता है, और दूसरे जितने भी उसके राइवल्स हैं इस रीजन के अंदर उनको टैकल किया जाता है। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन ओशन रीजन की। इंडिया एक अप्रोच भी फॉलो करता है जिसे हम सागर अप्रोच भी कहते हैं, मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। तो इंडिया कहता है कि इस रीजन के बारे में जो भी है, जो ये रीजन है, इस रीजन का विकास डेवलपमेंट हो सभी के लिए हो, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सभी के ग्रोथ के लिए हो, बेनिफिट कुछ के लिए ही ना हो, सभी के लिए बेनिफिट हो, तो इंडिया इन सब बातों पे फोकस भी कर रहा है। व्हाट डज IORA फोकस ऑन? तो यहां पे अगर इसके प्रायोरिटी एरिया की बात करें तो एक तो मैरिटाइम समुद्र की सेफ्टी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, फिशरीज है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी है, टूरिज्म है, सांस्कृतिक एक्सचेंज है, जेंडर एम्पावरमेंट है, ये सब चीजें हैं। उसके बाद $80 मतलब ये काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी दिए गए हैं, और क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए काफी प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस पर भी फोकस सर्टेन फंड्स जो है वो आपके दिए गए हैं। फिर उसके बाद फ्री और ओपन सी लेन्स होने चाहिए, मतलब ट्रेड आसानी से, इतना ट्रेड जा रहा है, व्यापार हो रहा है, इसमें ऐसा कोई देश आके अपना अपना चलाए, रूल बेस्ड चीजें ना हो, तो रूल बेस्ड ऑर्डर कैसे हो, और तो ये पूरा का पूरा रीजन फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब सभी लोग इजिली मूव कर सकें, सभी इंक्लूडेड हो सबको, और साथ में जो उनकी सोवेनिटी है, इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, और है ना वो रहे। जैसे मान लो कि कोई देश है, अब उस देश से 200 नॉटिकल माइल्स है, उस तक जो भी देश है 200 नॉटिकल माइल तक उसका ज्यूरिडिक्शन। अब ऐसा नहीं कोई आके पावरफुल कंट्री है, तो जैसे चाइना है तो वो इधर उधर घूम रहा है बिना परमिशन के, इस टाइप से।
तो ये थोड़ा सा है। एंड खास तौर से ये भी है कि यहाँ पे चाइना का जो एक हिडन एजेंडा भी रहता है कि पैसा प्रोवाइड कर दिया प्रोजेक्ट के लिए, फिर कह दिया चलो कोई बात नहीं पैसा नहीं दे पा रहे तो ये वाला हमें दे दो, जैसे श्रीलंका का हम बनटोटा पोर्ट दे दिया। तो यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन को फ्री ओपन और इंक्लूसिव रखना है तो इस पर ये काम काफ़ी अधिक आपका हो सकता है और ये फोकस किया जा सकता है, ठीक है। सो सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसको जरूर से आप लोग डाउनलोड करें और इसमें फ्री कंटेंट काफ़ी सारा मैंने डाल रखा है, फ्री टेस्ट, ग्राफिक करंट अफेयर्स है, ई बुक है, इसका पासवर्ड है 101010, हिंदू के मेंस क्वेश्चंस कंपाइलेशन है, ये सब आप लोग जरूर से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड एआरसी रिपोर्ट का एक लेक्चर मैंने आज डाल दिया है, आप देखना सुबह 8 बजे यूट्यूब में पड़ा हुआ है, प्लस और दूसरे जो लेक्चर्स हैं वो भी मैंने ये ऐप में अपलोड कर रखे हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी 30% का ऑफ भी है। आकलन सीरीज भी आएगा, साथ में एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी मैं चला रहा हूं, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मॉर्निंग में हमारा सेशन 8:15 बजे हो जाता है।